सन्माननीय संतोषी पांडवलकर साहब यांच्याकडून विक्टरी स्पोर्ट्स क्लब निंगळेसाठी तब्बल 500 रुपयाचे अर्थसहाय्य आले, त्यांचे खूप खूप आभार, मनपूर्वक आभार। अर्थात अशा अर्थसहाय्यामुळेच एखादी स्पर्धा यशस्वी होत असते। या देणगीदारांचे उदार व्यक्तिमत्त्वांचे खऱ्याच अर्थाने मनपूर्वक स्वागत आपण होऊया विक्टरी स्पोर्ट्स निंगळेच्या मैदानात। मी हरीश दिगीकर घेऊन जाते मायबोली मराठीतून समालोचन करण्यासाठी। नाणेफेकी जिंकली होती ती वाळवडी संघाने आणि प्रथम फलंदाजी स्वीकारले। स्ट्राईक एंडला पाहाल आपण मोबीन राऊत, एक लेजेंडरी टेनिस क्रिकेटर, गोलंदाजी करेल मसूद गजगी। हा पहिलाच फटका आडव्या पट्ट्यात, खराब स्ट्रोक सिलेक्शन, बॅटची बाहेरची कडा घेतली आणि मसूद गजगीने पहिला गडी बाद केला। एक मोठा मासा गळ्याला लावला डीजे। थँक यू डीजे। आपण पाहतोय एक सुमधुर संगीत डीजे शुभमच्या माध्यमातून। पहिला गडी बाद होतोय, अर्थात एक मोठा मासा, मोठा गडी विकेट एक मिळून दिला आहे तो मोबीन राऊतच्या रूपात मसूद गजगेनी। मसूद टेम्पाला अर्थात M3 SPL मध्ये द बिग बुल्स महाड शकूर गोलमे यांचा संघात त्यांनी चांगली कामगिरी केली। मसूद नवीद साठी पुन्हा एकदा फटका फसला इथे, नवीदला सुद्धा परतावं लागेल। बॅक टू बॅक दुसरा विकेट डीजे। डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू, वसीम जोरदार अपील केली होती कारण हॅट्रिक साठी अपील होती। मसूद गजगेजी यष्टीरक्षकांनी चेंडू पकडल्यानंतर मात्र मुना बडान सरांनी दाखवलं बॅट आणि चेंडू मध्ये खूप मोठं अंतर होतं। हा चांगला फटका वसीमच्या बॅट मधून कव्हर रिजन मध्ये येतो डीप एक्स्ट्रा कव्हर सी मारे चापार वेलकम फोर चौकार। मसूद हा चांगला फटका वसीमच्या बॅट मधून येईल सी मारे शापार चटकार। थँक्यू डीजे। बॅट आणि वसीमची यारी मात्र सिंगाट आहे कारण खतरनाक फलंदाज आहे वसीम, एक हार्ड हिटर फलंदाज। वाळवडी संघासाठी कित्येक वेळेस त्यांनी सुरुवातीला जाऊन कसून फलंदाजी केलेला फलंदाज आहे वसीम। आता वाळवडीसाठी चांगले चांगले सामने त्यांनी एक हाती एका
वन मैन आर्मी सारखे करून काढलेत. यावेळेस थोडीशी परिस्थिती खराब आहे आपल्या संघाची, ती सावरताना आणखीन एक चांगला फटका, आणखीन एक चेंडू, सी मारे शापार चौकार. थँक्यू डीजे, थँक्यू. क्षेत्ररक्षक संघाला विनंती आहे की आपण टीम मीटिंग घ्यायची नाही, पंच बघा आपल्याकडे येतात, अर्थात वेळेची कमतरता आहे आपल्याला. तीन षटकांचा सामना आहे, अर्थात 15 मिनिटं मिळतात तुम्हाला प्रत्येक इनिंग साठी, तर वेळ जास्त खर्ची करू नका, चला सामन्याला सुरुवात करा. आयोजकांची वारंवार आपल्याला सूचना आहे, पंच ही दोन्ही पंच मुन्ना बडान सर असतील, जय पवार सर असतील, बघा मध्ये तुम्हाला प्रत्येक वेळेस सांगतात की, आणि मी सातत्याने समालोचन कक्षातून सर सांगत असतो की 3 ते 3.5 मिनिटात लेदर क्रिकेटमध्ये षटक संपतं, टेनिस क्रिकेटला तशी आपण 5 मिनिटं देतो तरी वेळ खूप खर्ची घे घेतला तो. अर्थात आजच्या दिवसात आपल्याला तब्बल 11 सामने खेळायचे आहेत मित्रांनो, त्यामुळे नंतर परिस्थिती खूप बिकट येईल, बॅड लाईट मग होईल, त्यामुळे व्यवस्थित जर तुम्ही मदत केला तर सामना चांगला सुरळीत चालेल. त्या पुन्हा एकदा मैदानात दुसरं षटक घेऊन गोलंदाज रिझवान अर्षद साडी रणपमध्ये थोडासा बिघाड, पुन्हा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर रिझवान. अर्षद सुद्धा एक हार्ड हिटर फलंदाज आहे. रिझवान अर्षद साडी, हेलिकॉप्टर उडवण्याचा इरादा होता, बॅटची आतली कडा घेतली, निर्धारित क्षेत्रामध्ये चेंडू निघून गेला, विकेटच्या मागे एक धाव मिळते इथे, एकेरी धावांनी धावसंख्या होते 15 धावा. पहिल्या षटकात 14 धावा आल्या होत्या मसूद गजगीच्या माध्यमातून. रिझवान आता आलाय मेहरेलियन टेम्पल अर्थात मुशीर यांचा संघ. बॅटची कडा घेतली, एक धाव निर्धारित क्षेत्रात मिळेल. मिकाईल मुशीर खानदेशी सुद्धा आमच्यासोबत जोडले तिथे समालोचन कक्षातून, एक यंगस्टर अपकमिंग मेहर इलेव्हन टेम्पालाचे. आता स्मार्ट बॉयज आपण पाहता प्रत्येक स्पर्धेत आपल्या वडिलांसोबत, मेहर इलेव्हन टेम्पालाचा लकी चाम मिकाईल. अर्थात आपल्या स्थानिक खेळाडूंना मोठी संधी कोणी दिली असेल, मोठं प्लॅटफॉर्म, तर खऱ्या अर्थाने मुशीरबाई यांनी सिंहगड देऊची स्पर्धा असेल देऊ रोडला, आपल्या इकडचे नदीम धारेकर, मुनीब अब्दुल्ला असेल, मीरान असेल, रिहान राजपूरकर असेल, माज खतीब असेल, मसूद गजगे असेल, या सगळ्यांना ज्यांनी खऱ्या अर्थाने संधी दिली. जोरदार अपील, व्हाईटची दाद मागितली खेळाडूंनी फलंदाजांनी, पंचाने हाताच्या साने दाखवला की बॅटच्या जवळून हा चेंडू निघून गेलाय, तुम्हाला व्हाईट मिळणार नाही. निर्धाव चेंडू, निर्धाव चेंडूची सांगता करतोय रिझवान मेहर इलेव्हन टेम्पालासाठी चांगली गोलंदाजी. 16 धावा. हा खोलवर टाकण्याचा प्रयत्न होता, लो फुटपाथ बनवून खेळून काढला, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक बंबल, पण चांग दुसऱ्या क्षेत्ररक्षकाने मात्र धावा वाचवल्या, चौकार गेला असता हा, पण बॅकअप चांगली होती मेरीलँड टेम्पल संघाकडून. 2 धावा इथे मिळते, या 2 धावांनी धावसंख्या होते 18 धावा.
दुसरा षटक मार्गस्थ असताना रिजवान गोलंदाजी करतोय. रिजवान एक चांगली गोलंदाजी वापसी करून देतोय. पहिल्या षटकात मसूदला 14 धावा पडल्या होत्या. अर्थात पहिल्या दोन चेंडूवर त्यांनी दोन गडी बाद केले होते लगातारचे. आपण पाहाल अर्थात मुनीब ला त्यांनी बाद केलं होतं, मुबीन राऊत यांना बाद केलं होतं, नाविदला त्यांनी बाद केलं होतं. तदनंतर मात्र चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ती रिजवानकडून. अशा टप्पा आठवा अकोट टप्प्याचा होता. क्षेत्ररक्षक आहे पण त्याला जेल टिपता आला नाही. भिड आणला क्षेत्ररक्षक आणि जेल मात्र टिपता आला नाही. एक धाव मिळते इथे अर्षदला. अर्षद अठराला स्ट्राईकला जाते वसीम. या अर्थात या सामन्यात वसीम खूप महत्वाचा ओपनिंगला आला आहे. त्यांनी तब्बल 15 धावा आतापर्यंत कुठल्यात. पुन्हा एकदा रिजवान आपल्या गोलंदाजीमध्ये. मला वाटतं तो लवकर निघतोय. त्यांनी पाहिलं की फलंदाज तयार नाही, पुन्हा थांबला आणि पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर रिजवान. वसीमसाठी पुढील चेडू पंचाच्या डाव्या बाजूने हाफ ट्रॅकर. मात्र यावेळेस फटका फासलाय. पॉवरफुल पॉवर कमी पडली. डीजेला मिळेल मात्र संधी. फिरली परिस्थिती. उभेद अर्षदला. अर्षदने मात्र निर्धाव चेंडू टाकला. धाव घेण्याचा प्रयत्न. धावबाद अर्षद बॅक टू द पावा लेजंडीचे. थँक्यू डीची. वळी आपण पुन्हा एकदा मैदानात. नवीन फलंदाज गेला. मुनाफ एकेकाळचा ओपनर फलंदाज होता, स्टार खेळाडू होता. सतीश पाटील साडी उभेद. उभेद एक यशस्वी गोलंदाज. पहिलं चेंडू चांगला टाकला होता त्यांनी निर्धाव. हा जबरदस्त गोलंदाजी उभेदची. सतीशला सुद्धा समजू दिलेला. बॅटच्या खालून चेंडू वळवला. उजव्या एसटीच्या बाहेर काढला चेंडू. बॅट भिरकावली होती सतीश पाटीलने जोरात. मात्र बॅट आणि चेंडूमध्ये खूप मोठं अंतर संपर्क झाला नाही. धाव मात्र मिळत नाही. निर्धाव चेंडू 19 धावसंख्येवर. धावसंख्या थांबवली उभेदने. दोन षटकानंतर त्यांनी दोन चेंडू हाताळलेत पण एकही धाव दिली नाही. उभेद पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी. सतीश पाटील करता गोलंदाजी करतो उजव्या बाजूनी पंचांच्या. आणि या पट्ट्यातला फटका आणि हा सगळ्यात मोठा फटका पाहायला मिळतोय. फुल सक्सेसफुल सी मारे शपार षटकार. थँक्यू डीचे फायटर जेट अर्थात योगेश पेंडकर यांच्यावर एक गाणं आपण ऐकलं. घाऱ्या नावाने प्रसिद्ध असल्या खेळ इथं मैदानात. मात्र सतीश पाटीलची दादागिरी चालू आहे. एक चांगला फटका पाहायला मिळाला. हा बॅटची कडा घेतली. आतली कडा घेऊन स्क्वेअर लीगला चेंडू निघून गेला. यष्टी रक्षक आहे. एक धाव इथं फक्त सतीश पाटीलला मिळेल अर्थात वायवडी संघाला मिळेल. धावसंख्या होती 26 धावा. दोन चेंडू या षटकातील शिल्लक आहेत.
पहिला चेंडू निर्धाव रनआउटच्या मध्ये पाहिला अर्षदचा, दुसरा चेंडू सतीशनी निर्धाव केला, त्यानंतर मात्र एक मोठा फटका पाहायला मिळाला अर्थात षटकार पाहायला मिळाला तो सतीश पाटीलच्या माध्यमातून। उभेद चांगली गोलंदाजी, उभेद मुनाप्पा साडी स्लो वरवण होता, किती धावा इथे मिळतील पाहूया, डिक्लेअर मध्ये जातोय का, यस निर्धारित क्षेत्रामध्ये मिळेल एक धाव फक्त, पुन्हा आपला एक धाव आणि धावसंख्या होती 27। सन्मान्य एकनाथ जाधव साहेब यांच्याकडून व्हिक्टरी स्पोर्ट्स क्लब निगडीसाठी तब्बल 500 रुपयाचा अर्थ सहाय्य आले, त्यांचे खूप खूप मनपूर्वक आभार। सन्मान्य एकनाथ जाधव साहेब व्हिक्टरी स्पोर्ट्स क्लबसाठी तब्बल 500 रुपयाचं अर्थ सहाय्य त्यांच्याकडून आलं, अर्थात हे अर्थदाते यांच्या माध्यमातूनच खऱ्या अर्थाने उदार व्यक्तिमत्वांच्या सहकार्यानेच कुठली स्पर्धा यशस्वी होत असते। हा पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू, जबरदस्त गोलंदाजी उभेची सतीश पाटील, मात्र समजू शकला नाही, थांबावं लागेल, 27 धावा होत आहेत, 28 धावांचं लक्ष इथे समोर ठेवलंय ते मेहर इलेव्हन टेम्पल अर्थात मुशीर यांचा संघ, काय घडेल काय बिघडेल। थँक्यू डीजे, थँक्यू। या तिन्ही षटकांमध्ये तब्बल 28 धावांचं लक्ष आहे, हे लक्ष कोण पार करेल, काय घडेल काय बिघडेल या चेंडूपळीच्या खेळामध्ये, मैदानात रणसंग्राम सुरू आहे। मी बोलते आमच्यासोबत जोडले इमाद मोरक, एवढा विनंती करून की पुढील समालोचनाचं सूत्र ते घेतील, अर्थात दुसऱ्या इनिंग दुसरा पडाव हे लक्ष पार होते का हे ऐकण्यासाठी आपण मायक्रोफोनवर जोडतो इमाद मोडक यांच्यासोबत, धन्यवाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम फिर से एक बार सभी दर्शकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये मुकाबला काफ़ी हद तक बड़ा मुकाबला है। इस मुकाबले में देखा जाए तो आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक मुकाबला जा सकता है, पानी की तरह साफ और समंदर की तरह गहरा नजर आ सकता है। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हो स्ट्राइक पर सादिक और नौ स्ट्राइक पर देखा जाए तो मशोद गजगे, गेंदबाजी पर सतीश, तीन ओवर का मैच, 18 गेंदों में देखा जाए तो जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत है। खेल स्टार्ट हो चुका है, देखना होगा डू और डाई का ये मैच होगा दोनों टीमों के लिए। पहली गेंद, पहली ओवर, ओहो क्या बात है, कहते ना कि सराव करो तो डांसर और गेंदबाजी में उछाल हो तो बॉम्सर, काफी कमाल की गेंदबाजी, अतिरिक्त उछाल था जिस तरीके से आप देख सकते हो। स्ट्राइक पर सादिक है, नॉन स्ट्राइक पर मशहूद, 18 गेंदों का खेल है, लेकिन आफ्ताब वालवेटी की टीम के सतीश को भी पता है कि मैं विकेट टेकर गेंदबाज हूं, मुझे क्या करना है अपनी टीम के लिए, ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाला खिलाड़ी, देखना होगा अपनी टीम के लिए किस तरीके का परफॉर्म दिखाता है। जी हाँ, वो कहते हैं ना ओ, ये देखिए फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, हल्के हाथों से उस गेंद को शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में खेला। जी हाँ, डिक्लेयर जोन में गेंद जा चुकी थी और एक रन आने के बाद स्ट्राइक भी रोटेट हो चुका है,
तो मैं कह रहा था ना कि मेहनत अभी काफी नहीं है खोबो को पाने के लिए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को विनती है, जी हाँ मेहनत अभी काफी नहीं खोबो को पाने के लिए, अभी तो और पसीना बहाना होगा आपको किरदार को महकाने के लिए। आपके किरदार को आपको महकाना है क्रिकेट के माध्यमों से, अच्छा परफॉर्म दिखाना पड़ेगा। ओहो मशहूद गजगे ने हवा में उठाकर खेला, लेकिन बहुत ही उम्दा कैच, तालियों की गूंज, बहुत ही उम्दा कैच। थैंक यू, क्या कैच पकड़ा है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मुबीन का बहुत ही बेहतरीन कैच, सतीश की उम्दा किस्म की गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब। क्योंकि एक तरफ महर 11 टेम्पल आ यानी मुशीर खान की टीम, और दूसरी तरफ देखा जाए तो आफ्ताब वालवडी, क्या कैच पकड़ी है मशहूद गजगे की, पहला ही विकेट। और मुझे वो गदर फिल्म का अक्षय गाना याद आ रहा है, मैं निकला जी हम बल्ला लेके, वो कहते हैं ना कि मैं निकला गड्डी लेके, जी हम मैं निकला बल्ला लेके। इस मैच में एक तरीके से मोड़ आया कि मैं मैच को छोड़ आया कि मुझे हारना नहीं है, जीतना है। 18 गेंदे जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत, और जिस तरीके से सतीश की एक उम्दा किस्म की गेंदबाजी चलती हुई, पहली गेंद गुडलेन स्पॉट पर गिरी थी, उछाल था, उसके बाद देखिए वेरिएशन ही वेरिएशन, और इस बीच डॉट बॉल, ओहो क्या बात है। आफ्ताब वालवेटी की टीम जिसके अंदर आप देख सकते हो पहली इनिंग में रनों पर अंकुश लगाने का काम किया था, जब तीन ओवरों का खेल और तीन ओवर के खेल में जिस तरीके से मशहूद गजगे ने अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन देखिए सेकंड इनिंग में भी उसी तरीके का समीकरण पेश किया जा रहा है। अगली गेंद, ओ कमाल की गेंदबाजी, सुपर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आप देख सकते हो बल्लेबाज को बांधे रखा है, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की गेंदे हो चुके हैं 5, एक ही रन बन चुका है, और बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी चलती हुई बीच मैदान के अंदर। एक बड़ी मैच है और बड़े मैच के लिए ये दोनों टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। ओ ये देखिए क्या गति है गेंदबाजी में, सुपर गेंदबाजी आप देख सकते हो। मित्रांनो टॅलेंटचा गजर व्हायला पाहिजे, गोलंदाजी आवडली असेल तर। सतीश पाटील, आफ्ताब वालवटीचा हा एक नामांतर खिलाड़ू जिसने सभी के दिलों पर राज कर चुके हैं, यानी सतीश पाटील, एक ओवर का खेल खत्म हो चुका है, टीम का स्कोर हो चुका है 2 रन, और इसी के लिए तो आयोजित की हुई ये टूर्नामेंट थी कि खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए। जिस तरीके से जब मैंने सुबह में मुन्ना पठान, जिस तरीके से जय पवार और अजीम सर के साथ में जो गुफ्तगू किया था, जब उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने जो कहा खिलाड़ियों के लिए, और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच सजा हुआ है, उभर कर बाहर निकलने का मौका है। आप देख सकते हो आज का दूसरा दिन है, ग्रामीण खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कल जो के 8 टीम जो खेलेंगे यानी ओपन, और जिस तरीके से व्यवसायिक खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, आज का दिन ग्रामीण खिलाड़ियों को अपना लेवल ऊपर लेकर जाने का मौका प्राप्त हो चुका है। अब देखिए दूसरी ओवर लेकर आ चुके हैं गेंदबाज मुबीन, जिन्होंने पहली ही ओवर में मशहूद गजगे का, यानी कहते चलूं काउ कॉर्नर रीजन में कैच को पकड़ के खेल में कमबैक दिलाया है। लेकिन महर 11 टेम्पला सादिक अभी भी स्ट्राइक पर है, डरकर नहीं डटकर खेलना है, मोरल डाउन मत कीजिए, खेल में मजा तो तब आता है असनैन जब मुकाबला दो तरफा होता है। अब देखना होगा क्या ये मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जाएगा, यानी इस मुकाबले के अंदर फिर से एक बार रोमांच बढ़ेगा, ये देखने जैसी बात होगी, क्योंकि इस ओवर में काफी हद तक उलटफेर नजर आएंगे।
मत पंच तुम्हें स्वतः थर्ड अंपायर घेता है बरबर है सर यस यस हा हा डिशीजन का है तीसरे पंच अपने सोबत कारण दिसले नहीं है कि चौकार है षटकार अड़वला है चेंडू का पंचान निर्णय दया तीसरा पंचाक गेले देखिए थर्ड अंपायर लिया गया था, अंपायर का इशारा आ चुका है कि ये षटकार नहीं है। अंपायर इस गेंद पर एक रन जी ओके एक रन आ चुका है। ओ ये देखिए फिर से एक बार छह रन के लिए सिक्सर षटकार।
अयन इलेवन मानगांव की टीम ने टॉस जीतकर शुभम बैटिंग यस ओके टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है। देखना होगा इस वाले मुकाबले में क्या होता है। ओहो इस भी देखिए हवा में उठाकर खेला गेंद को भेजा सीमा पार रन मिलेंगे 6 रन सिक्सर छक्कार। दो बड़े हिट आए और पांचवी गेंद देखिए फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी वापसी होती हुई आफ्ताब वालवटी के लिए यानी 100 रुपए का इनाम। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्कोर को रुकाया है टीम का स्कोर 15 रन पर रुका हुआ है। गेंदे बची हुई है जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक और ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला वहां पर मिजी आपने गेंद को स्टॉप करने की कोशिश की लेकिन जब तक फील्ड करते तेजी के साथ 2 रन पूरे किए टीम का स्कोर हो चुका है 17-17 रन। ओहो क्या मैच बनी हुई है। मैंने कहा ना कि ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा जरूर और अब ये मैच आखिरी ओवर में आ चुके हैं। गेंदें बची हुई है 6 जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। व्हाट अ मैच खेल में मजा तो अब आएगा दिल की धड़कनें तो तेज अब हो जाएगी दिमाग सुन तो अब होगा क्योंकि गेंदें बची हुई 6 जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। देखना होगा किसका सपना टूटता है तो किसका सपना पूरा होता है इतिहास के पन्नों में कौन अपना नाम छपाता है यह देखने जैसी बात होगी। छह गेंदों का खेल बचा हुआ जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। एक तरफ आफ्ताब वालवटी श्रीवर्धन तालुके से बिलोंग करने वाली वालवटी गांव की अगर बात की जाए तो आज न जाने आप देख सकते हो आफ्ताब वालवटी की टीम एक ऊंचे दर्जे की टीम है। श्रीवर्धन तालुके में इस टीम की चर्चा बहुत ज्यादा होती है और दिगेर इलाकों में भी होती है क्योंकि टॉप 5 में इस टीम का शुमार होता है। और दूसरी तरफ देखिए अच्छे लय में आती हुई यानी मुशीर खान की टीम महर 11 टेम्पल आप देख सकते हो। गेंदे बची हुई 6 जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत है। क्या होगा इस मुकाबले का स्ट्राइक पर बल्लेबाज उबेद है 9 स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज मुशर्रफ गेंदबाजी पर मुकीत आखिरी ओवर पहली गेंद। ओ ये देखिए पहली ही गेंद पर अतिरिक्त उछाल अंपायर का इशारा ये वाइड गेंद वाइट दिया है और इस जी हाँ वाइट और वन बॉम्ब्स के लिए वार्निंग यानी गेंदबाज के लिए वार्निंग भी मिल चुकी है। ओ ये देखिए फिर से एक बार बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल खेल में फिर से एक बार ट्विस्ट।
अंपायर मुन्ना सर जी हाँ, रिव्यू थर्ड अंपायर के लिए जी हाँ, देखना चाहते हैं। देखा जाए तो एमसीए के अच्छे अंपायर है और जो थर्ड अंपायर लिया गया अंपायर का इशारा जी थर्ड अंपायर का नो बॉल का है, डिसीजन जो दिया गया नो बॉल का ही है और वो डिसीजन देखिए एक मिनट फहद भाई यूट्यूब पर रिप्ले एक्शन भी आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। देखिए खेल की शुरुआत कीजिए, पेनल्टी भी लग सकती है जैसा कमेटी का कहना है। नहीं बराबर नो आए बोलो ना, नो आए गलत नहीं डालो ना भाई डालो तन्ने पर एक्सेप्ट। जी हाँ, टाइम पास मत कीजिए, टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन। जिस तरीके से मैंने कहा था 6 गेंदे और 11 रनों की जरूरत थी और जिस तरीके से अंपायर का इशारा, जो वार्निंग भी मिल चुकी थी और उस वार्निंग पर फिर एक बार वही गलती को दोहराया गया, नो बॉल। जी हाँ, अगर फिर से एक बार उसी तरीके की गेंदबाजी करता है तो फिर से एक बार मजबूरन अंपायर को नो बॉल देना पड़ेगा, लेकिन इस बार नहीं रुकेंगे। गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए सिक्सर षटकार।
देखिए जनाब अशफाक धनसार, इनके हाथों से इनका इस्तकबाल फूलों के साथ किया जाएगा। कैमरामैन बिल्कुल जी, हम मैच की तरफ आते हैं। फिर से एक बार षटकार आ चुका था और इसी षटकार की वजह से टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। अगली गेंद, ओ देखिए विकेट जाता हुआ, खेल में फिर से एक बार परिवर्तन चेंज आता हुआ। टीम के कैप्टन जी, 4 गेंदे और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। देखना होगा, ओ ये देखिए फिर से एक बार विकेट का खतरा जी हाँ, खेल में फिर से एक बार कमबैक। आता हुआ, मैंने कहा था दोस्तों कि ये मुकाबला पानी की तरह साफ और समंदर की तरह गहरा नजर आएगा। साथ साथ देखिए मैच में फिर से एक बार ट्विस्ट, खेल में परिवर्तन, गेंदे बची हुए 3, जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी होती है या फिर गेंदबाजी। मुकीत की अगर गेंदबाजी चली तो ना जाने इतिहास के पन्नों में मुकीत का नाम लिखा जाएगा। आप देख सकते हो जिस तरीके से मुकीत बहुत ही उम्दा किस्म की गेंदबाजी कर रहे हैं। मैर 11 टेंपला की टीम की तरफ से मुशर्रफ, अभी भी मुशर्रफ क्रीज पर है, लेकिन मुकीत की गेंदबाजी या फिर मुशर्रफ की बल्लेबाजी, 3 गेंदे 3 रनों की जरूरत। अगली गेंद, ओ कमाल की गेंदबाजी, क्या बात है। और वो मैच दोपहर के सत्र में आप देख सकते हो जिस तरीके से शाम के सत्र में आप देख सकते हो ये मैच रंगता हुआ नजर आ रहा है। गेंदे बची हुई है, कहते चलो 2, जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। चेसिंग कंपलसरी है, स्ट्राइक पर बल्लेबाज तौफीक, गेंदबाजी पर वही मुकीत। मैंने कहा ना कि मुकीत की अगर गेंदबाजी अच्छी चली
तो इतिहास को भुला नहीं जा सकता है। इतिहास के पन्नों पर नाम लिखाने का काम करेंगे। आफताब वालवटी की तरफ से एक अच्छा मैच बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि गेंदबाजी अच्छी चल रही है। दो गेंदे तीन रन दो गेंदे, व्हाट अ मैच। ओहो हो, फिर से एक बार कहानी में ट्विस्ट, और फिर से एक बार अंपायर से अपील, रिव्यू लिया गया है थर्ड अंपायर के लिए। देखना होगा, रनआउट की अपील भी की गई और देखिए अंपायर सॉफ्ट डिसीजन क्या है, आउट है, लेकिन जिस तरीके से देखिए डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, देखना होगा। देखिए बैट्समैन फिर से एक बार, और एक विकेट जाएगा। तो श्रीवर्धन आराठी के नासर, इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम आया हुआ है, क्या बात है। देखिए चेसिंग कंपलसरी है, मैच देखिए किस मोड पे आ चुके हैं। एक गेंद और तीन रन की जरूरत, फिर से एक बार कहानी में बदलाव, खेल में कमबैक, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। अजीम सर 60 से लेकर 100 के दरमियान एक मिनट में दिल धड़कता है। इस टूर्नामेंट को जिस तरीके से ऊंचे लेवल पर ले जाने का मैच जो बना है वो ये वाला मैच बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दर्शक रोमांचक मैच के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, और वो तड़प पूरी हो चुकी है, उनका सपना पूरा होता हुआ इन आयोजकों का, क्योंकि मैच रंग में आ चुकी है। एक गेंद तीन रन की जरूरत, बड़ा मैच, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और ये देखिए फिर से एक बार मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला है, एक रन पूरा किया, दूसरे की गुंजाइश जी नहीं, और यहाँ पर आफताब वालवटी ने अपनी जगह बनाई अगले राउंड के लिए। बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन।